यूं तो पुलिस का नाम जुबान पर आते ही कैसे कैसे लोग विचार अपने प्रकट करते हैं, इसकी कहने की आवश्यकता नहीं है। जहन में आए इन विचारों में कम से कम अच्छे तो नहीं होते, क्योंकि पुलिस की बुराइयां हमेशा उनके दिलो दिमाग में बसी रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस का दूसरा चेहरा भी कभी कभी सामने आता रहता है, जिसको देखकर जनता के बीच पुलिस का विश्वास जागृत होने लगता है। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला थाना सुरीर क्षेत्र में। हम आपको बता दें कि सुरीर क्षेत्र के कस्बा टैटी गांव माट रोड पर यमुना एक्सप्रेस वे के समीप अपाचे बाइक अनियंत्रित होकर फिसल जाने से बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वो घायल अवस्था में ही सड़क पर पड़े रहे। देखने वाली बात ये थी कि जहां हर मिनट वहां से सैकड़ों यात्री गुजर रहे थे, लेकिन वो एक सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। किसी ने भी घायलों का हाल चाल जानने की कोशिश तक नहीं की। तभी वहां से गुजर रहे सुखवीर निवासी छहरी ने मानवता दिखाते हुए 100 नंबर को कॉल किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची यूपी 100 डाल पर तैनात पुलिस कर्मियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी गाड़ी में घायलों को लिटा लिया और तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। 108 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई तो पुलिस कर्मियों ने दोनों घायलों को तत्काल एम्बुलेंस में लिटाया और उन्हें अस्पताल की ओर भेजा। यहाँ पे ये जो घटना है, जो मैं हाईवे से नीचे उतरा तो टैटी गांव की तरफ से मार्ट की तरफ जा रहे थे, वहाँ मैंने देखा तो 108 को फ़ोन किया और फिर 100 नंबर पे फ़ोन किया, वो 108 स्थल पे आई और 100 नंबर पे भी आई। एक्सीडेंट हुआ। किस किस में हुआ? दो जने थे और ये पता नहीं किसके साथ हुआ है, या शायद जानवरों के साथ, लगभग तो जानवर का ही। बाइक पर सवार थे, टीवीएस उसकी थी। अब कैसी हालत है इन लोगों? थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर है, एक की तो, और एक थोड़ा सा होशावास में था। कहाँ भेजा इन लोगों को? अभी ये 108 ले गया है, मार्ट हॉस्पिटल में जाएंगे। मार्ट से फिर शायद कुछ पता चला इन लोगों का, ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या है? रहने वाले थे वो, ये कौन सा नाम बताया था, बाहरी खेड़ा का बताया था। उनको जो गंभीर पड़ा था उसने थोड़ा सा बताया था और बाकी का वो बोल नहीं सकता था।